हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको पसंद आते तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी हमारे चैनल के लिंक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि मैथ्स की लेसन प्लान की सीरीज़ का अगला लेसन प्लान है, यानी लेसन प्लान नंबर 43। अभी तक हम इसके 42 लेसन प्लान बना चुके हैं। उम्मीद है आपने सभी देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलिए और मैथ्स के प्रीवियस सारे वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना का क्रमांक डालेंगे, उसके बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें कि आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन और अपने छोटे सी इंट्रोडक्शन अपनी पाठ योजना के बारे में लिखना होता है, जिसमें जो आप यहाँ पे कॉपी में बनाते हैं इस तरीके का ही आपको वहाँ पे जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको ब्लैकबोर्ड पर भी इंट्रो देना होता है अपना, जिससे आपका पर्यवेक्षक और आपका जो भी आपका सहपाठी आपका अवलोकन कर रहा है वो आपके बारे में और आपकी पाठ योजना के बारे में डिटेल जान सकें। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो NIA से DLED कर रहे हैं वो शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखें, बाकी सारे स्टूडेंट छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखें। नामांकन में आप सभी को अपना नामांकन लिखना है, विद्यालय के नाम में आप सभी को अपना अपने विद्यालय का नाम लिखना है जो NIA से DLED कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट टीचर हैं उनको उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे उन्हें प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा। कक्षा हमारी 5वीं का प्रकरण है, विषय है गणित, दिनांक कालांश समय अवधि आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें, प्रकरण हमारा है मुद्रा। सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रकरण है जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तब आपको इसको तब डालना होता है जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं। यदि आप पहले ही प्रकरण डाल देंगे तो आपका जो प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, निरर्थ रहेंगे, इसलिए आप सबसे पहले सारी इंट्रोडक्शन भर दें, प्रकरण को ब्लैंक छोड़ें। जब आप प्रस्तावना प्रश्न कर लें और उद्देश्य कथन बोलें उस दौरान आप ये प्रकरण लिखें। जैसा मैंने आपको कहा, पाठ योजना में सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। हमारा विषय गणित है तो यहाँ पर हमारे सामान्य उद्देश्य गणित विषय से संबंधित ही होंगे, जैसे कि विद्यार्थियों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की गणित विषय में रुचि जागृत कराना, ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, यानी हमारा प्रकरण है मुद्रा, तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य भी मुद्रा से रिलेटेड होंगे कि विद्यार्थी मुद्रा को पहचान सकेंगे, विद्यार्थी रुपए को पैसे में बदलना सीखेंगे, विद्यार्थी रुपए और पैसे से संबंधित जोड़ कर सकेंगे, ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फिर आता है सहायक सामग्री, यानी कि हमें प्रस्तुतिकरण के दौरान पर क्या क्या हम सहायता के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त, तो इसमें लपेट श्यामपट, संकेतक, चार्ट, रंगीन चौक, डस्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। लपेट श्यामपट का इस्तेमाल आप होमवर्क और क्लास वर्क लिख कर ले जाने के लिए कर सकते हैं, संकेतक द्वारा आप चार्ट को पढ़ने का काम कर सकते हैं, या लपेट श्यामपट पर लिखे शिक्षण बिंदु को भी आप लिखकर मतलब पॉइंट करके बता सकते हैं। चार्ट में आप कुछ भी पार्ट से रिलेटेड, जैसे मुद्रा है यहाँ पे विभिन्न मुद्राओं का चार्ट ले जा सकते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट जो कि पूर्व ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं और पूर्व ज्ञान को ही हम नए ज्ञान से जोड़कर आगे का पाठ पढ़ाते हैं। आप जब पाठ का प्रस्तुतिकरण करें तो पहले जान लें कि विद्यार्थी आपके पाठ से रिलेटेड पहले से वो क्या जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, प्रशिक्षु शिक्षक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया कॉलम बनाएंगे। इसमें हम उनसे प्रश्न करेंगे कि यदि हम बाजार से सामान खरीदते हैं तो हम बदले में क्या देना पड़ता है, तो बताएंगे रुपए पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो बताएंगे 100 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, यदि हम 2 रुपए में से 50 पैसे का 1 सिक्का निकाल दें तो 50 पैसे के कितने और सिक्के बचेंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ उनको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ हम उन्हें फिर बताएंगे। और यही हमारा उद्देश्य कथन भी होगा कि बच्चों आज हम रुपए पैसे को रुपए और रुपए को पैसे में बदलना सीखेंगे, जोड़ घटाना रिलेटेड उसी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे और इसी समय आप प्रकरण को डाल दें। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि आप क्रमांक, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट कार्य कॉलम बनाएंगे। पहले आप मुद्रा का अर्थ बताएंगे कि दैनिक जीवन में हम धनराशि को मुद्रा
रुपए पैसे में व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद जो भी हम ब्लैकबोर्ड पर लिखेंगे उसे लिखेंगे। फिर शब्दों में दी हुई राशि को अंकों में लिखना आगे का हमारा शिक्षण बिंदु, हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, वही जो हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैकबोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। फिर रुपए और पैसों का जोड़ सिखाएंगे हम उन्हें, उदाहरण हम ब्लैकबोर्ड पर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, पूरा उन्हें विस्तार से बताएंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनकर लिखेंगे। फिर रुपए को पैसे में बदलना एक्सप्लेन करेंगे हम, रुपए पैसे को घटाना ये सिखाएंगे हम उन्हें। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम कम से कम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल उन्हें बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल उन्हें करने के लिए भी देंगे। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति, यानी आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक्सरसाइज, उनको समझा दिया चैप्टर, उसके बाद आप एक बार और उनसे पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वही हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। इसमें आप उनसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ तीन प्रश्न लिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, आप उन्हें कक्षा में जो कार्य करने के लिए देते हैं, यानी कि आपने उन्हें रिटर्न वर्क भी कराना है और ये कार्य इसलिए भी करा जाता है क्योंकि आपको उनका होमवर्क चेक करना है या उनका क्लास वर्क चेक करना है, यानी जो आपने अभी अभी उनको सॉल्व कराया उन्होंने उतारा या नहीं, तब आप उन्हें ये कक्षा कार्य दें और वो कार्य करें जिसमें आपके कक्षा से आपका नियंत्रण ना जाए, आपको फीडबैक ना मिले। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी हम उन्हें होमवर्क देंगे जिसमें हमने यहाँ पर उन्हें प्रश्न दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी, जिसमें आपका जो भी परिवेक्षक होगा वो यहाँ पे आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, यानी कि अच्छा था, बुरा था, क्या सुझाव की आवश्यकता है, लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स एंड सजेशन। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विशेष शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है, हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए, अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज द्वारा हमें अपनी डिमांड बताइए, हम जल्द से जल्द उसकी पाठ्य योजना बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।